हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। तो अब समझते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। तो ये इंजेक्शन ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कहेंगे कि जो आते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर, कि जो एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी इन्फेक्टिव मेडिकेशंस जो हम कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन, एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन, तो ये ऐसे क्लास का ही मेडिकेशन है कि जिसको एंटीबायोटिक्स कहे जाते हैं। और मोनोसेफ जो है वो उसका ब्रांड नेम है। कि यहाँ पे आप इंजेक्शन का मेन कवर देखो बॉक्स का, तो मोनोसेफ लिखा है और नीचे लिखे उसकी स्ट्रेंथ 125 मिलीग्राम और लिखा है इंट्रावेनसली एज वेल एज इंट्रामस्कुलर यूज़। मतलब कि ये जो है वो पेशेंट को आईवी भी लगा जाता है, इंट्रामस्कुलरली भी लगा जाता है। और मोनोसेफ जो है ये प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। और सॉल्ट कंपोजिशन आप यहाँ पे देखो तो वो है सेफ्ट्रीएक्सोन मेन मेडिकेशन है, कि जो एक सेफालोस्पोरिन क्लास का एंटीबायोटिक मेडिकेशन है। और ये स्पेशली बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सॉल्ट कंपोजिशन उसका याद रख लो आप, सेफ्ट्रीएक्सोन इंजेक्शन और सेफालोस्पोरिन क्लास का ये एंटीबायोटिक मेडिकेशन बनता है। और मोनोसेफ जो है उसका ब्रांड नेम है। तो मैन्युफैक्चरर्स के बारे में समझे कि ये इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर कौन करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेफ्ट्रीएक्सोन एंड सालबेक्टम का इंजेक्शन है, मोनोसेफ SB करके है। तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन में सुलबेक्टम है, बट यहाँ पे जो उसके मैन्युफैक्चर हम देखें तो वो है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, कि जो 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था। और ये कंपनी जो है वो उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई के अंदर है इंडिया में। और ये एक नॉन गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जो बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को डिजाइन करता है। आगे समझे मोनोसेफ इंजेक्शंस के स्ट्रेंथ के बारे में, कि उसके अलग अलग कितनी स्ट्रेंथ में ये इंजेक्शन अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे देखो 125 मिलीग्राम का भी अवेलेबल है, फिर उससे डबल क्वांटिटी हम देखें तो 250 मिलीग्राम में भी ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऐसी ज़रूरत क्यों है कि अलग अलग उसके डोजेस क्यों बनाए गए हैं? तो स्पेशली आप देखो कि इसका जो रेगुलर डोज है वो है 1 से लेकर 2 ग्राम इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलरी पर डे, और वो भी दिया जाता है एवरी सिक्स आवर खास कर ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है। और चिल्ड्रन डोज में आप देखो तो 75 से लेकर 100 मिलीग्राम जितना डोज रहता है और किलोग्राम के अकॉर्डिंग। अगर समझो कि बच्चे का वेट 1 किलोग्राम जितना है तो उसके लिए मिनिमम डोज जो है रहेगा 75 मिलीग्राम और मैक्सिमम डोज जो है वो रहेगा 100 मिलीग्राम। तो उसी तरह से जब आप डोज कैलकुलेशन करते हैं प्रॉपरली, तो मिनिमम 75 mg आप ले लो और मैक्सिमम समझो कि 100 मिलीग्राम यूज़ होता है पर kg के हिसाब से। तो अगर समझो कि बच्चे का वेट है 10 किलोग्राम का वेट है, तो उस वक्त उसके लिए जो डोज हो जाएगा मिनिमम डोज बन जाएगा 750 मिलीग्राम और मैक्सिमम डोज हो जाएगा 1000 मिलीग्राम। तो उसका मतलब ये होगा कि 750 मिलीग्राम आपको देना है पूरे दिन के अंदर और यहाँ पे 1000 मिलीग्राम देना है पूरे दिन में। तो जब इस तरह से प्रॉपर डोज होता है तो अगर आपको 750 मिलीग्राम को दिन में 3 बार देना है तो आप इस तरह से कर दोगे कि 250 mg प्लस 250 मिलीग्राम प्लस तीसरा 250 मिलीग्राम। तो इस तरह से अब क्या हुआ, टोटल एक दिन के अंदर 750 मिलीग्राम डोज जो है वो डिलीवर हो गया। और टाइम इंटरवल आप रह दोगे कि 8 आवर्स का टाइम डिफरेंस ले दोगे, कि 250 देने के बाद 8 आवर का टाइम डिफरेंस, दूसरा डोज देने के बाद फिर से 8 आवर का डिफरेंस और तीसरा डोज देने के बाद फिर से 8 आवर का डिफरेंस। इस तरह से टोटल 750 मिलीग्राम भी डोज डिलीवर हो गया और 24 आवर्स हो गए, मतलब कि पूरे दिन के अंदर। तो उस तरह से जब आप डोज कैलकुलेशन करते तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर इंजेक्शन यूज़ कर लेते। जो ये कंपनी है ये अलग अलग mg में ये इंजेक्शन बनाते हैं, कि समझो कि इस तरह से आपका डोज कैलकुलेशन हुआ है प्रॉपर पेशेंट के लिए। तो उस वक्त आपका सिलेक्शन रहेगा कि ये 250 मिलीग्राम का आप इंजेक्शन यूज़ करते कि वो दिन में 3 बार जो है वो आप लगाओ पेशेंट को, कि अगर उसका वेट 10 किलोग्राम है, उसी तरह से वेट और ज़्यादा है और आप डोज कैलकुलेशन इस हिसाब से करते हैं तो प्रॉपर आपको जो है वो डोजेस फॉर्म मिल जाएगा स्ट्रेंथ के साथ। तो 500 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, कि अगर ऐसे कंडीशन है कि पेशेंट को
2 ग्राम जो है वो मैक्सिमम डोज देना है पर डे के अंदर। तो उस वक्त आपको डिवाइडेड डोज में देना है, तो 500 मिलीग्राम इंटू 4 कर सकते हैं कि जिससे 2000 mg जितना डोज डिलीवर हो जाए, कि जो इक्विवेलेंट बन जाता है 2 ग्राम जितना। तो उस वक्त ये आपकी चॉइस बन सकती है 500 मिलीग्राम वाला। अगर नेक्स्ट हम इंजेक्शन देखें तो वो रहेगा 1 ग्राम का। तो अगर किसी को ऐसी कंडीशन है कि 1 ग्राम जितना इंजेक्शन का डोज देने की ज़रूरत पड़ी है, तो उस वक्त आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है कि सिंगल टाइम में ही 1 ग्राम जितना इंजेक्शन देना है, या फिर 2 ग्राम यूज़ करना है, या फिर IV इन्फ्यूजन्स के थ्रू देना है। तो उस वक्त ये हाई डोज के उसके कंपोजिशंस भी अवेलेबल है स्ट्रेंथ के अंदर, और लोअर डोज में 125, 250 और 500 mg में भी ये इंजेक्शन अवेलेबल है। तो ये खास आप याद रखना कि 1 से लेकर 2 ग्राम जितना IV या फिर इंट्रामस्कुलरली पर डे के अंदर, और चिल्ड्रन डोज में 75 से लेकर 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, कि जो मेन सेफ्रीएक्सोन इंजेक्शन है उसका डोज रहता है, कि उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसका ये एक पॉपुलर डोज है। तो आगे समझे तो ये मेडिकेशन एंटीबायोटिक है सेफालोस्पोरिन क्लास का। तो 3rd जनरेशन सेफालोस्पोरिन बनता है ये सेफ्रीएक्सोन, या फिर उसका जो सॉल्ट है सेफ्रीएक्सोन। तो अब जब इंजेक्शन होता है तो यहाँ पे आप देखो WFI दिया है कि वाटर फॉर इंजेक्शन। तो यहाँ पे जो वायल के अंदर जो पाउडर होता है, तो वो पाउडर को इंजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वाटर फॉर इंजेक्शन दिया जाता है, कि ये इंजेक्शन जो है वो ये वायल के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है, और फिर इससे जो है वो आपका इंजेक्शन तैयार होता है। तो ये मेडिकेशन क्या करती है, फाइट करती है बैक्टीरिया के सामने और उनको किल करती है, कि जिससे आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कम होता जाता है। और ये खास ध्यान रखना है कि ये जो है वो इफेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ पेरेंटली। इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट आपके लिए हाईलाइट करता हूँ कि सेफ्रीएक्सोन्स के हमेशा इंजेक्शन से अवेलेबल होते हैं, बिकॉज ये पेरेंटली इफेक्टिव बनता है, और इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से उसको दिया जाता है। और देखिए तो बहुत सारे बैक्टीरियाज के सामने ये इफेक्टिव बनता है, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये एक एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन है, एंटी माइक्रोबियल मेडिकेशन भी उसको कहा जाता है, कि जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए और उनके सामने अच्छे से फाइट बैक देने के लिए जो है वो स्पेशली लगाया जाता है। तो आप समझते हैं कि कौन से ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर मोनोसेफ इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो एक जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, जैसे कि गोनोरिया है, तो गोनोरिया के इलाज में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। फिर PID का जो इलाज चलता है, तो जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज जो हम कहते हैं, तो उसमें भी ये इंजेक्शन यूजफुल बनता है। फिर जो मेनिनजाइटिस की जो कंडीशन है, तो मेनिनजाइटिस के जिसके अंदर हमें पता है कि जो ब्रेन के जो लेयर्स होते हैं और ब्रेन के आसपास आए हुए जो मस्तिष्क का आवरण जो हम कहते हैं मेनिनजिस जो कहते हैं, और वहाँ पे बैक्टीरिया के कारण आपको इन्फेक्शन हुआ है, और वो इन्फेक्शन और स्पाइनल कॉर्ड के मेनिनजिस में भी है और साथ साथ ब्रेन के मेनिनजिस में, तो दोनों को ट्रीट करेगा ये इंजेक्शन। फिर STDs में तो काफ़ी यूजफुल है ही, और आगे देखें तो जो लंग्स के अंदर इन्फेक्शंस फैलते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो RTI जो होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसको भी ट्रीट करता है। जैसे कि आगे हम देखें तो ईयर इन्फेक्शन में भी यूजफुल साबित है, और जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियाज के कारण, तो उसमें भी ये मेडिकेशन काफ़ी इफेक्टिव है। तो PID के अंदर आप देखो तो जो ओवेरिस के अंदर सूजन होती है, फेलोपियन ट्यूब या फिर आपका यूटेरस, तो पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है फीमेल्स के अंदर, वहाँ पे जो सूजन होती है, तो उसमें भी ये इंजेक्शन जो है वो काफ़ी यूजफुल साबित होता है। फिर यूरिनरी ट्रैक में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, तो उनके अंदर बैक्टीरिया के कारण समझो कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए जो ओरली मेडिकेशंस होते हैं, जो टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह, उससे समझो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो उस वक्त यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मोनोसेफ के इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। फिर आपके ब्लड के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला है, तो उसको भी ठीक करेगा ये मेडिकेशन। आगे समझे तो जो हमारे बॉन्स होते हैं वहाँ पे जब इन्फेक्शन होता है, जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक करती है। तो यहाँ पे आप देखो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, कि ये जो आप बैक्टीरिया देख रहे हैं कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वो जब हमारे
मस्तिष्क आवरण को इन्फेक्टेड करते हैं कि उसको संक्रमित करते हैं, तो जो मेनिंजिस के जो लेयर्स होते हैं कि उसके जो तीन अलग अलग लेयर्स होते हैं कि और हमने एनाटोमी में सीखा था कि उसका एक पिया मेडर होता है, अराचनॉइड मेडर होता है और ड्यूरा मेडर। तो वहाँ पे जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के जो स्टमक एरिया जो कहा जाता है तो वहाँ पे पेन हो रहा है, या फिर वहाँ पे सेप्सिस हुआ है, या फिर सेप्टिसेमियास की जो हम कंडीशन कहते हैं उसको भी ये मोनोसेफ इंजेक्शन ट्रीट करता है। और टाइफाइड फीवर के लिए काफ़ी यूजफुल है कि मल्टी रेजिस्टेंट, कि अगर दूसरे कोई मेडिकेशन से टाइफाइड ठीक नहीं हो रहा हो तो उस वक्त टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए मोनोसेफ इंजेक्शंस की जो ट्रीटमेंट जो चलती है। अब उसके स्पेशल डोज हम समझे तो जब किसी के गोनोरिया की आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गोनोरिया के इलाज में ये इंजेक्शन यूज़ हो रहा है, तो खासकर इंट्रामस्कुलरली सिंगल डोज दिया जाता है 250 मिलीग्राम की। जो आगे हमने अलग अलग स्ट्रेंथ देखी तो उसमें 250 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन है मोनोसेफ का, तो उसका सिंगल डोज लगाया जाएगा गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए। फिर अगर स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यूज की इन्फेक्शन है, यूटीआई वगैरह है, तो उसमें पेशेंट के कंडीशंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना है वो रिपोर्ट चेक करने के बाद इंट्रावस्कुलर या फिर इंट्रा मस्कुलरली इंट्रावेनसली आईवी इंजेक्शन दिया जाएगा या फिर उसको इंट्रामस्कुलरली दिया जाएगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो ट्रीटमेंट चलेगी 7 से लेकर 10 दिन तक, और डेली दिया जाएगा ये इंजेक्शन, और 4 ग्राम सबसे पहले दिया जाता है और उसके बाद मेंटेनेंस डोज रहता है 2 ग्राम इंट्रावेनसली पर डे, और वो भी 7 से लेकर 10 दिन तक। और आप चिल्ड्रन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये खास ध्यान रखें कि 75 से लेकर 100 मिलीग्राम डोज पर केजी के हिसाब से पर डे, और वो भी 7 से लेकर 10 दिन तक। टाइफाइड में हम देखें तो 4 ग्राम इंट्रावेनसली डेली दिया जाता है और फर्स्ट जब ट्रीटमेंट शुरू करती है, और उसके बाद बाकी के 2 दिन के लिए 2 ग्राम दिया जाएगा पर डे के लिए, और फिर चेक किया जाएगा कि इन्फेक्शन कितना कम हुआ है और उसके अकॉर्डिंग टू आगे जो है वो डोज रिपीट किए जा सकते हैं। चिल्ड्रंस के लिए जो रूटीन हम देख डोज देखे तो वो रहेगा 75 mg/kg 2 दिन तक टाइफाइड के लिए। फिर अगर समझे कि किसी के अंदर मोनोसेफ इंजेक्शंस के रेजिस्टेंट डेवलप हो जाते हैं तो सुलबैक्टम के साथ उसका कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल मिलेगा, या फिर टेजोबैक्टम के मोनोसेफ SB वाला जो इंजेक्शन है तो उसमें आपने देखा होगा कि सुलबैक्टम उसके साथ कॉम्बिनेशन में है। तो अगर सेफ्ट्रीएक्सोन्स का रेजिस्टेंस है किसी के अंदर तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। अब मेकेनिज्म हम समझे तो जितने भी सेफालोस्पोरिन क्लास के एंटीबायोटिक्स होते हैं तो उनकी एक कॉमन एक मेकेनिज्म है कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना, कि यहाँ पे आप बैक्टीरिया की जो ये पूरी सेल वॉल देख रहे हैं तो ये सेल वॉल उसके प्रोटेक्शन के लिए है, और ये सेल वॉल ही समझो कि ब्रेक डाउन कर दी जाती है तो आगे जाके वो बैक्टीरिया अपनी सर्वाइव नहीं कर पाता, और वो सर्वाइव ना कर पाए कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक एंटीबायोटिक क्या करता है, जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है उससे बाइंड हो जाते हैं कि जो बैक्टीरिया के पास होती है, और उससे इनहिबिट करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती, जिससे ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है और जिसके कारण उनका लाइसिस हो जाता है। अब समझते हैं ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट खास समझना जरूरी है। तो एक ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज करवा सकता है ये इंजेक्शन, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ही ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। अगर किसी को ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से खून की ऐसी बीमारी है कि जिससे ब्लीडिंग हो जाता है तो ऐसे लोगों को ये इंजेक्शन लगाया नहीं जाता, बिकॉज हाइपो प्रोथ्रोम्बोबिनेमिया की जो कंडीशन है मेडिकल कंडीशन वो प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर इंक्रीज होती है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग करवा सकता है ये इंजेक्शन कि अगर किसी को ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती है, तो ये खास ध्यान रखें। फिर पेनफुल यूरिनेशन करवा सकता है ये मेडिकेशन, नोजिया वॉमिटिंग जैसे साइड इफेक्ट इसके कारण होते हैं, फिर हार्ट बर्न जैसा कंडीशन या फिर चेस्ट पेन जैसी कंडीशन फील करते हैं पेशेंट्स ये इंजेक्शन देने के बाद, स्टमक के अंदर टेंडरनेस जैसा डेवलप होना, पेन जैसा होना, ब्लोटिंग मतलब कि स्टमक डिसकम्फर्ट की जो कंडीशन हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होती है, सीवियर पेन आपको हो सकता है वो भी
साइड बैक या फिर बिलो द रिब्स की जो आपकी रिब्स होती है लंग्स के आसपास आई हुई जो रिब्स होती है, तो रिब्स के साइड में या फिर उसके बैक पोर्शन में आपको सीवियर पेन हो सकता है। तो ये उसके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट है कि अगर आप ये साइड इफेक्ट नोटिस करते हैं आपके बॉडी के अंदर ये इंजेक्शंस लेने के बाद, तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए। फिर कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे तो डिजीनेस या फिर हेडेक जैसा फील हो सकता है, पेन हो सकता है या फिर स्वेलिंग हो सकती है आपकी जीभ के ऊपर की। अगर आपको ये मेडिकेशन की एलर्जी है तो तुरंत पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर सूजन हो जाएगी आपकी जीभ के ऊपर। फिर लंप जैसा डेवलप होगा कि जैसे लंप्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे ये मेडिकेशन इंजेक्ट किया जाती है। फिर स्वेटिंग जैसा फील होना, पसीना होना, वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसे साइड इफेक्ट कई बार होते हैं कि अगर आप यूटीआईज के अंदर ये इंजेक्शन यूज करते हैं या फिर पीआईडी के अंदर ये इंजेक्शन यूज किया रहा है फीमेल्स के अंदर, तो कई बार कुछ फीमेल्स के अंदर ये इंजेक्शन पीआईडी या फिर यूटीआई में यूज होता है तो वो इचिंग या फिर वाइट डिस्चार्ज या फिर वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो फील करते हैं। वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन भी कई बार होता है ये इंजेक्शन के यूज होने के बाद। एनीमिया कई बार हो सकता है, लो एचबी या फिर लो आरबीसी की जिसको हम कहते हैं, मेडिकल कंडीशंस या फिर मेडिकल नेम में एनीमिया, और कई बार फ्लशिंग जैसा फील होना या फिर चेंज होना आपके टेस्ट के अंदर, तो ये सब साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं मोनोसेफ के कारण। तो जैसे अभी हमने बात की कि कई बार ब्लीडिंग करवाता है तो जो नॉर्मल ब्लड होता है उसके कंपेयर में आरबीसी जो है वो कम हो जाता है, और आरबीसी कम होंगे तो एचबी भी कम हो जाएगी जिससे पेशेंट जो है वो एनेमिक बन सकता है। तो इसीलिए लंबे समय तक ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देखें तो अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है कि जो सेफालोस्पोरिन क्लास के जो मेडिकेशन होते कि मोनोसेफ कि इसके अंदर भी सेफालोस्पोरिन है सेफ्ट्रियाक्सोन, तो अगर इसकी आपको एलर्जी है हाइपर सेंसिटिविटी है तो इसको यूज़ ना करें। कि ऐसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस नोटिस की गई थी आपके अंदर कि अगर आपने सेफालोस्पोरिन क्लास का कोई एंटीबायोटिक यूज़ किया था या फिर सेफ्ट्रियाक्सोन को यूज़ किया था या फिर आपको पेनिसिलिन की भी सेंसिटिविटी है तो वो लोगों को ये मेडिकेशन नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज उनके अंदर जो आँखों में सूजन देखने को मिल सकती है ये इंजेक्शन देने के बाद, लिप्स या फिर जो जीभ होती है वहाँ पे सूजन देखने को मिल सकती है, हार्ट रेट उनके बढ़ सकते हैं, फास्ट हार्ट बीट हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, वहाँ पे वॉमिटिंग हो सकती है, वीजिंग फील कर सकते हैं वो लोग, और कन्फ्यूजन, हेडेक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइव्स डेवलप होना। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए खास मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी चाहिए पेशेंट की और उसके बाद ही ये इंजेक्शन को यूज़ करना चाहिए। फिर दूसरे कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देखें तो अगर किसी को डायरिया हुआ है बट उसका रीज़न है ये वाले बैक्टीरिया, कि अगर रिपोर्ट करवाते और पता चलता है कि डायरिया होने का रीज़न है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल बैक्टीरिया, तो उस वक्त सेफालोस्पोरिन नहीं लगाए जाते। किसी को हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन है कि जो एक ब्लड रिलेटेड ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है कि जिसके अंदर जो आपके आरबीसी जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं किस तरह से, कि ये वाला आरबीसी आपका नॉर्मल है बट वो डैमेज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कि यहाँ पे आप देखो ये जगह से आरबीसी जो है वो कम्प्लीटली बर्स्ट हो जाता है और ये आरबीसी फिर आगे जाके हो जाता है डैमेज। तो ऐसे डैमेज आरबीसी होने वाली जो कंडीशन कि जिसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है, तो ऐसे पेशेंट को कभी भी ये इंजेक्शन ना लगाएं। फिर किसी को लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर फेलियर के पेशेंट है उनको भी ना यूज़ करें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट, फिर किसी को गैल ब्लेडर का प्रॉब्लम है तो भी उसको यूज़ ना करें। सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है मतलब कि किडनी फेलियर के पेशेंट थे और उनको जो है वो किडनी रिलेटेड बीमारी है, और जो येलोविंग स्किन हो सकती है न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर, तो जो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते आप, बिकॉज उनकी जो स्किन है वो येलोविश हो सकती है, और ये खास आपको ध्यान रखने हैं। प्रेगनेंसी की हम बात करें तो FDA ने उसको प्रेगनेंसी कैटेगरी बी के अंदर रखा है, ये खास आप समझना कि प्रेगनेंसी कैटेगरी बी क्या होती है। तो बी कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये मेडिकेशंस की जो क्लिनिकल स्टडीज है वो एनिमल्स के ऊपर की गई है बट नॉट बीन स्टडीड इन प्रेग्नेंट वुमन। तो एनिमल स्टडी तो हुई है बट प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर उसकी स्टडी नहीं की गई है, जिसके कारण उसको कैटेगरी बी के अंदर रखा गया है।
बट जो एनिमल स्टडीज हुई है उसमें जो है कोई नो नेगेटिव इफेक्ट, कि कोई नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो देखी नहीं गई कि जो अनबॉर्न बेबीज होते हैं एनिमल्स के, तो उनके ऊपर सेफ्रीएक्सोन की कोई ऐसी हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिल गई। बट स्पेशली जो है वो हम सेफ साइड की ओर रहे कि सबसे सेफ साइड जो हमें रहना है, कि बिकॉज अभी तक ऐसे कैटेगरी बी के मेडिकेशन है, अभी तक कोई भी ऐसे प्रेग्नेंट वूमेंस के ऊपर इसकी स्टडी नहीं है, तो जरूरी है कि हम सेफ साइड पे रहें और प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ ना करें, और अगर यूज़ होता है तो प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग टू यूज़ करना चाहिए। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा है और रिस्क कम है तो ऐसी कंडीशन में ही प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, वरना इसको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज जो प्रेगनेंसी कैटेगरी ए वाले जो मेडिकेशन होते हैं वो ही सबसे सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए।